मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक शादी में 319 जोड़ों की हुई शादी। बलिया जनपद के टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर परिखरा में सोमवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें 319 जोड़े एक दूसरे के बंधन में बंध गए। सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम तथा विशिष्ट अतिथि प्रेम भूषण जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विवाह समारोह में लोक संगीत गायक हेमा पांडे ने अपनी टीम के साथ विवाह गीत प्रस्तुत किया। तत्पश्चात वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की रस्में शुरू हुई। सभी अतिथियों ने वर वधुओं को आशीर्वाद देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक राजकरण नायर, जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार, जिला अध्यक्ष जय प्रकाश साहू, भाजपा नेता नकुल चौबे, सीओ बाष्टी प्रभारी थाना कोतवाली, थाना प्रभारी बाष्टी रूप सहित अन्य पुलिस के अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। बलिया जनपद से जितेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भरत राम चंद्र भगवान की, श्री युगल सरकार की, भवानी शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर। इस पावन विवाह महोत्सव में उपस्थित आप सभी मान्यगण, हमारे बाबू उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय परिवहन मंत्री बाबू दयाशंकर सिंह जी, माननीय गौतम जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय साहू जी, समस्त पार्टी के पदाधिकारी बनेंगे, इस बलिया राष्ट्र के जिलाधीश बाबू रविंद्र कुमार जी, मान्यवर एसपी महोदय श्रीमान अय्यर जी, जितने भी बच्चों का आज पावन विवाह महोत्सव हो रहा है, उनके सभी परिवारीजन जिनका हमने स्मरण किया अथवा जिनका हमको स्मरण है, हमको सबका नाम भी कंठस्थ नहीं है, ऐसे सभी मान्य जन का इस पावन अवसर पर हम बहुत बहुत वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बेटियों ने बड़ा सुंदर गाया, सुनने की तो बड़ी तीव्र इच्छा है मेरी, लेकिन हमको 3 बजे जाकर के सलेमपुर में श्रीराम कथा गाना है। मैंने तो मना कर दिया था बाबू को कि देखो मैं 8 बजे से तैयार हूँ, वो कोई लेने नहीं आए, हमको क्षमा करो लाला, हम आ नहीं पाएंगे, लेकिन ईमानत देखो नहीं है, अगर जिद कर गए नहीं बोलिए आ ही जाइए, तो हम आ ही गए, हम सीधे यहाँ से ब्यास की खड़ी जाके बैठेंगे इसी देश में। अब बाबू है तो हम ना करते, मेरा हाथ तक बंद नहीं, 94 सर तक जो ये सोच लेते हैं वो हम करते हैं, और जो हम सोचते हैं ये भी करते हैं। एक बात सौभाग्य है, पिछली बार पटना से मैं गिरिडीह रामकथा में जा रहा था, बाबू का चुनाव था, अब मैं चुनाव प्रचार में जाता नहीं, परंतु
यहाँ के हमारे पदाधिकारी ने आग्रह किया महाराज श्री आ जाइएगा तो बड़ी कृपा होगी। इनको पता भी नहीं चला मैं आया और आके चला गया, जाने लगा मिल गए। यह उत्सव के स्वरूप में माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे हमारे महाराज अध्यक्ष जी कि विवाह तो बहुत होता रहता है कोई दान पत्र लेकिन गुरु जी ऐसा पावन उत्सव हमने दिया में पहले एक महिला का दान देना क्योंकि देखिए इतने लोग रहे और व्यवस्थित रहे तो ये हमारा बलिया का स्वभाव नहीं है। हमने तो बाकी ठहरे, हमको जब किसी ठेक पे लिखा मिलता है बाकी करवा हम गाड़ी रोक के उससे पूछते हैं किकर गाड़ी है तो बताता है बड़ा आदर होता है। ये हम सबका सौभाग्य है और वस्तुतः इस पावन महोत्सव में जितने भी जोड़े जानत रावधो वर कैसे मिलेंगे करुणा निधान करुणा के खजाना हो। जिस मनुष्य में करुणा है ये उत्सव उसी के बस का है। सुजान माने जो सज्जन है, जो सज्जन है वो सज्जनता का किसी स्थिति परिस्थिति में त्याग नहीं कर सकता। मेरे राम जी सज्जन है, मेरे राम जी करुणा निधान है। सियाजू आप उनका जानती अथवा नहीं जानती सने जानत रावधो। मां भवानी ने शील की प्रशंसा करके करुणा की प्रशंसा करके सज्जनता की प्रशंसा करके और मेरी मां सियाजू को ऐसा आशीर्वाद दिया कि मानो बस मिल ही गए। ये भगवत पूजन का प्रताप है। जीवन में सारे खटखट करते रहे लेकिन थोड़ा पूजा भी भगवान का करते रहे। हमारे बाबू एक बार उनको 2 बजे मिले तो हमने कहा कुछ खिला पियला कह गुरु जी।